तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार का एक सीट सीवान काफी चर्चे में है। वजह यह है क्योंकि वहां पर साहिब की पत्नी यानी कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम की पत्नी हिना शहाब चुनाव लड़ रही हैं। हिना मैडम के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद यकीनन सीवान की सीट में एक अलग सी भूचाल पैदा हुई है। वजह यह है क्योंकि वहां पर आरजेडी के भी कैंडिडेट हैं, वहां पर बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन एक इकलौती कैंडिडेट हिना शहाब है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और इनसे तमाम लोगों का मुकाबला है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारा मुकाबला हिना शहाब से नहीं है। वजह साफ है क्योंकि वहां की जनता हिना शहाब के साथ है और यही वजह है कि हिना शहाब अब सीधे खुल करके राजद पार्टी पर हमला करना शुरू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार आरजेडी पर खुलेआम जो हिना शहाब हैं उन्होंने इशारे के जरिए हमला करना शुरू कर दिया है। इन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि जिस पार्टी को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जमीन से सींचना शुरू किया, आसमान तक पहुंचा दिया, उनके इंतकाल के बाद उन लोगों ने उस परिवार के साथ दूरी अख्तियार करनी शुरू कर दी, अपने आप को राजद पार्टी ने जो है वो समेटना शुरू कर दिया। इसका अंदाजा आपको तभी हो गया होगा जब जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं उनकी तबीयत खराब हुई, जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां पर कौन कौन लोग थे कौन नहीं थे इस बात से आपको अंदाजा हो जाएगा। आखिरी वक्त में उनके साथ कौन लोग थे कौन नहीं थे, ये बात काफी है आपको समझाने के लिए। आप देखिए कि क्या कुछ हिना मैडम ने जो है वो राजद पार्टी के लिए बात कही। समय ऐसा बना, परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है, जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इसपे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना अपने लोगों से। तो दोस्तों देखा आपने, ये हिना मैडम है, इन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि आरजेडी ने इन लोगों से जो है अपने आप को समेटना शुरू कर दिया है। इसके पीछे की क्या वजह है ये सोचने का विषय है। कभी जो राजद अपने आप को MY समीकरण की बात करती थी, अब वो MY से A to Z बन गई है और आप देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग सीट्स पर जब मुसलमान टिकट लेकर के आता है तब वहां पर MY समीकरण इनका किस तरह से काम करता है। तो यकीनन इस चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि सिवान जो सीट है वहां पर क्या कुछ होने वाला है, कैसे जो है हिना मैडम जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, किस तरीके से वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं वो इन्हें सपोर्ट करती है, ये काफ़ी देखने को आप तमाम लोगों को मिलेगा। पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और सिवान लोकसभा से ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इनको लेकर के ये भी दावा किया जा रहा था कि ये जो है AIMM पार्टी से चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने खबर भी आपको बताई थी कि AIMM पार्टी से ये चुनाव नहीं लड़ने वाली है। इन्होंने सीधे सीधे ये बात का ऐलान किया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। हाँ, AIMM के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जो है अख्तरुल ईमान साहब ने, उन्होंने ये बात कही है कि उनका पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो शहाबुद्दीन परिवार के साथ रहेगा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे उनका कितना गहरा रिश्ता रहा था और अभी भी उस परिवार से वो इस रिश्ते को निभाने की बात कर रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि हिना मैडम जो है वो सिवान से चुनाव जीत पाएंगी और आपको राजद की और राजद ने जिस तरह से इनसे दूरियां बनाई हैं इस परिवार से, इसके पीछे की वजह क्या लगती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना।